Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. So if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe and press the bell icon to get all the notification about my videos whichever I am uploading on YouTube. So guys, aap mujhe Unacademy pe bhi follow kar sakte ho. Just type my name Hina Jain, you will be seeing this particular profile and from here you can follow me. And if at all aapko pasand aati hai mere style जिस तरीके से मैं आपको टीच करती हूँ तो आप मुझे हेड्स डेडिकेट कर सकते हो जो कि आपको आपके प्रोफाइल में दिख जाएगी. एंड उसके अलावा कोर्सेज को रेटिंग्स एंड रिव्यूज ज़रूर प्रोवाइड कर देना. एक और बात यहाँ पे बता दूँ, और भी बहुत सारे नए लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं. अनअकैडमी पे मेरे 17 कोर्सेज अवेलेबल है जो कि फ्री है. प्लीज़ आप जाके उन सभी कोर्सेज में एनरोल ज़रूर कर लेना. एनरोल करने के भी कोई चार्जेस नहीं है, बस एनरोल कर लेना ताकि उन कोर्सेज के अंदर भी मैं जब भी लेसन कुछ नए अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे. जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट जो हमारा कोर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, उसके अंदर अब तक मैंने 41 लेसन अपलोड कर दिए हैं. तो प्लीज़ आप जाके उन्हें देख लेना. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड एंड अपर कम्युनिकेशन. गाइस, अगर लैंग्वेज को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय बोथ लर्नर्स. यहाँ पे इंग्लिश लर्नर्स भी है और हिंदी लर्नर्स भी है, एंड दोनों का ध्यान रखते हुए मुझे मिक्स लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ रही है आपके लिए. फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आता है किसी कॉन्सेप्ट में, कमेंट करके बता देना मुझे ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूँ उस हिसाब से. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन. सो मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या, नीचे जाना. तो यहाँ पे आपका सुपीरियर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ गोल्स सेट कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव दे रहा है, तो वो डाउनवर्ड होता है. अगर मैं बात कर लूँ अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन सबॉर्डिनेट जो है वो दे रहा है सुपीरियर को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ एडवाइस दे रहा है, कुछ सजेशन रिकमेंडेशन कुछ रिपोर्ट बना के दे रहा है, तो वो हो जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट. तो यहाँ पे उल्टा हो गया है, आपको यही याद रखना है. ओके, हेडिंग उल्टा दिया है बट यहाँ पे बराबर दे रखा है. ठीक है, चलो कोई नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं. एक सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ. ब्लैक ले लेते हैं. चलो सो देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी सुपीरियर से सबॉर्डिनेट के पास में इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है, हाउ इन्फॉर्मेशन इज फ्लोइंग, ऊपर से नीचे फ्रॉम सुपीरियर. सुपीरियर मतलब बड़ा कोई इंसान है आपके ऑर्गेनाइजेशन के जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, तो वो हो जाता है आपका सुपीरियर. सो व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफरिंग लाइक दिस, देन इट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. नाउ इट इज़ द अपोजिट टू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, दैट इज द इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर. नाउ सबॉर्डिनेट से व्हेन इट द इन्फॉर्मेशन इज गोइंग लाइक दिस, देन इट इज अपर कम्युनिकेशन. नेचर, सच कम्युनिकेशन इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन ऑर्डर एडवाइसेस एंड लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, इट इज़ अ डायरेक्टिव इन नेचर. मतलब यहाँ पे डायरेक्शन दी जाती है, सुपीरियर आपको बताते हैं कि यार इस तरीके से काम करो, उस तरीके से काम करो, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है. तो ये आपका आ जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर. और व्हेन आई टॉक अबाउट अपवर्ड कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स सजेशंस कंप्लेंट्स एंड एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ नॉट लाइक एन डायरेक्टिव इन नेचर. लाइक यू आर वर्किंग एट अ लोअर लेवल एंड यू आर गिविंग एडवाइस टू योर सुपीरियर, सो दिस इज वॉट यू आर जस्ट गिविंग यू सजेशंस. और इफ एट ऑल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशन, देन यू आर कंप्लेनिंग हिम अबाउट द सेम. नेक्स्ट, एप्लीकेशन, इट इज़ सुटेबली फाउंड इन एन अथॉरिटेरियन एनवायरमेंट एंड इन अपवर्ड इट इज़ डेमोक्रेटिक. हाउ, अथॉरिटेरियन मतलब क्या होगा, यहाँ पे सुपीरियर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है इस तरीके से करना, उस तरीके से करना, तो वो आपको जैसे बता रहा है उस तरीके से आप कर रहे हो. और डेमोक्रेटिक में क्या हो जाएगा, आपको पूरा हक है कि आप अपने हिसाब से बोल सको, उन्हें बता सको, करना नहीं करना उनके हाथ में, बट यू हैव द राइट टू एटलीस्ट टेल हिम. पर्पस, इट इज़ टू सप्लाई द सबॉर्डिनेट विथ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड हियर इट सर्व्स द पर्पस ऑफ फीडबैक, दैट इज वेदर द सबॉर्डिनेट हैव प्रॉपरली रिसीव्ड द मैसेज. नाउ फ्रीक्वेंसी, इट टेक प्लेस सेवरल टाइम्स टू गिव ऑर्डर्स एडवाइस
एंड डायरेक्शन टू द सबॉर्डिनेट. तो यहाँ पे बहुत बार हो जाता है क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट को काम देते ही रहते हैं, एडवाइस देते ही रहते, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये बहुत बार रिपीट होता है. एंड अगर हम बात कर लें अपवर्ड कम्युनिकेशन पे, तो ये इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता है. नाउ डिस्टॉर्शन, पीपल फाइंड लिटिल स्कोप टू डिस्टॉर्ट द मैसेज हियर बिकॉज सच कम्युनिकेशन इज अथॉरिटेरियन. मतलब क्या रहता है पता है कि यहाँ पे आप है ना इन्फॉर्मेशन के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अथॉरिटेरियन फॉर्मेट फॉलो किया जाता है. बट हम बात कर ले अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन, देन हियर द मैसेजेस कैन बी डिस्टॉर्टेड इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के कर सकते हो, बिकॉज द सबॉर्डिनेट हैव एक्सपेक्टेशन टू बी फुलफिल्ड सच एज जॉब प्रमोशन. सो दे मे बी थिंकिंग अबाउट देयर जॉब प्रमोशन, सो दे कैन मेक चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन एंड देन प्रोवाइड इट टू द मैनेजर्स. नेक्स्ट इनिशिएटिव, हियर हायर अथॉरिटी टेक्स द इनिशिएटिव टू मेक कम्युनिकेशन. And when it comes to upward communication, lower level employees take initiative to establish communication. Management, it is the instruction type and here it is a consultative type. Instruction type मतलब क्या होगा पता है? The superior, the top level management gives the instruction to the lower level management. And in the upward communication, it is consultative. How? Because आप आपके subordinate से consult करते हो, राय लेते हो उनकी कि हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो इसलिए ये consultative management कहा जाता है. तो अब मैं आपको horizontal communication ऐसे ही बता देती हूँ, आप याद रख लेना. Horizontal communication के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे दो बंदे एक ही पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, चाहिए उनका डिपार्टमेंट अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है. एक सेकेंड, मैं पूरा ये इरेज कर देती हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. ठीक है, तो क्या होगा पता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को आप कैसे याद रखोगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. अब यहाँ पे एक मैनेजर बैठा है और यहाँ पे एक मैनेजर बैठा है. ये वाला मैनेजर आपका हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट का और ये वाला बंदा आपका हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट का. अब इन दोनों के साथ में अगर ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बिकॉज दोनों का पोजिशन तो सेम है, दोनों मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये जब इंटरेक्ट करते हैं तो इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को, जो कि एक ही सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के बीच में होता है, ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का जो अदर नेम है, इट इज़ लेटरल कम्युनिकेशन. सो प्लीज नोट इट इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अदर नेम इज़ लेटरल कम्युनिकेशन. नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड horizontal communication. Next, I will be discussing in the next video what is diagonal communication. Till then, if you are having any doubt, please let